चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। कल कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको मैंने? कल मैंने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज, जैसे कि चार्ज पढ़ लिया था हमने, है ना। चार्ज पढ़ा, ये पढ़ा कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके यूनिट के बारे में पढ़ा कि कूलम्ब होती है और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। सब चार्ज के बाद मैंने कल क्या पढ़ा था? हाँ, बढ़िया बढ़िया, शाबाश। चार्ज के बाद मैंने कल एक और क्वांटिटी बढ़ाई थी, करंट, है ना। इसकी ऐसा यूनिट बताई थी आपको, एम्पियर। एक बात और बताई थी, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। माइनस में नहीं होता यहाँ पर, ध्यान रखना, प्लस का होता है ये, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर पावर माइनस में नहीं जाएगी, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, चार्ज हो गया, करंट, करंट के ऐसा यूनिट एम्पियर बताई थी। इसके बाद कौन सी क्वांटिटी बढ़ाई थी भाई? इसके बाद पढ़ाया था हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी ऐसा यूनिट के बारे में बताया था। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट, है ना। वैसे जूल पर कूलम्ब होती है, लेकिन साइंटिस्ट के सम्मान में, एलेक्सेंड्रो वोल्टा के सम्मान में, हमने इसको क्या नाम दिया था? वोल्ट नाम दिया था, है ना। और बताया भी था मैंने आपको कि 1 वोल्ट = 1 जूल / 1 कूलम। एक बात और, मैं जितना पढ़ाता हुआ चलूंगा उतना आपको डेली रिवाइज करते हुए चलना पड़ेगा, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी आपकी, एकदम से बहुत एक्सेसिव बर्डन पड़ जाएगा आपके। ये बात आप समझ रहे हैं ना, चैप्टर बड़ा है ये बच्चे, कभी आप सोचो कि एक ही दिन में उड़ा देंगे, ये छोटी क्लासेस नहीं है अब, है ना। चैप्टर बड़े बड़े होते हैं, एक एक चैप्टर एक यूनिट की तरह है, इसलिए आप डेली टू डेली जितना पढ़ाया जाएगा आपको, अगर 3 से 4 पेजेस पढ़ाएं तो उतना बिल्कुल सॉलिड पक्का करता चलना है ना, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो जल्दी से आगे शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, पोटेंशियल डिफरेंस के आगे कैरी करेंगे हम अब अपना वर्क। ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने कल पढ़ा दिया था। सर्किट डायग्राम भी पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था सर्किट डायग्राम? नहीं, सर्किट डायग्राम नहीं पढ़ाया था, एक बार बता देता हूँ। देखो सर्किट क्या होता है ये आप जानते हो, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। तो सर्किट क्या बताया था मैंने आपको? द क्लोज्ड पाथ अलॉन्ग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, है ना, इज कॉल्ड सर्किट। बताया था ना, वो क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो करता हुआ जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। और सर्किट को जब हम किसी भी सर्किट को अपनी कॉपी में बनाते हैं, है ना, या किसी बुक में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम डायग्राम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। अब ऑब्वियसली सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ सिंबल्स चाहिए होंगे, है ना, क्योंकि आप अब जाहिर सी बात है, मुझे सर्किट डायग्राम में बैटरी दिखानी है, क्योंकि बैटरी के बिना तो करंट आएगा नहीं, तो क्या बैटरी की फोटो थोड़ी लगाऊंगा हर जगह ले लगा के, है ना। तो क्या करूंगा, उसका एक सिंबल बना लिया हमने कि हाँ भाई ये सेल है और बैटरी ये होती है। सिंबल आपने पहले भी देखे होंगे छोटी क्लासेस में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। एक सेल जो है सिंपल सी होती है ऐसी, और अगर आप कई सारे सेल्स को जोड़ देते हो, है ना, तो वो बैटरी बन जाती है। देखो ये अभी बैटरी बनी नहीं है क्योंकि सेल्स जुड़ी नहीं है अभी, जब जुड़ेंगी तब बनेगी बैटरी। कैसे जुड़ेगी भैया, अभी जुड़ी नहीं है ये? नहीं बच्चे, बीच में से जोड़ो इसको ऐसे, है ना, अब बन गई बैटरी। जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो प्लस का होता है, जो छोटा वाला टर्मिनल होता है वो माइनस का होता है। जो बड़ा टर्मिनल वो प्लस का, जो छोटा टर्मिनल वो माइनस का। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है ठीक है, बढ़िया, शाबाश। तो कहने का तात्पर्य आप समझ ही गए हैं कि अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम बेसिकली एक डायग्राम है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है? इसमें एक तो कुछ सिंबल्स आएंगे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के होंगे, चाहे बैटरी के होंगे या किसी भी चीज के होंगे। दूसरी बात क्या आएंगी? इसमें कनेक्टिंग वायर्स आएंगे और इसमें कुछ इक्विपमेंट्स आएंगे जो मेजरिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं, याद आपको, है ना, तो एमीटर का सिंबल ये होता है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम क्या लगाते हैं? वोल्ट मीटर। तो एमीटर का तो आपने फिर भी कम इस्तेमाल देखा होगा, लेकिन हाँ वोल्ट मीटर का इस्तेमाल आपने बहुत देखा है। भैया कहाँ देखा है जरा बताएंगे हमको? आप लोगों में से कितने लोगों ने स्टेबलाइजर देखे हैं? एसी के साथ लगा रहता है, फ्रिज के साथ लगा रहता है, स्टेबलाइजर पे जो वो दिखा देता है 220-230 वोल्ट्स के बीच में, वो क्या होता है? वो ही तो वोल्ट मीटर है बच्चे। अब ये डिजिटल आने लगे हैं, एसी से तो डिजिटल वाले लगते हैं, फ्रिज वगैरह के साथ पहले या टीवी के साथ जो लगाते थे हम पहले, वो एनालॉग वाले लगते थे, उसमें सुई थी ऐसे एक नीडल होती थी, वही फ्लक्चुएशन शो कर देती थी, इधर उधर हिलती रहती थी, याद है आपको? भूले तो नहीं है आप? ठीक है, एक और डिवाइस होती है भैया, उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है? एमीटर करंट मेजर करके बताता है कि कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर है, 2.5 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, कितना एम्पियर करंट है। गैल्वेनोमीटर इज जस्ट लाइक अ टेस्टर, ये खाली डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट है या नहीं। इसकी एक सुई होती है, वो हिली तो इसका मतलब करंट है, और नहीं हिली ऐसे की ऐसी रही तो इसका मतलब सर्किट में करंट नहीं है। अच्छा भैया, ये तो टेस्टर की तरह है, हाँ, अगर उसका बल्ब जल जाता है तो सर्किट में करंट है, और नहीं जला बल्ब तो सर्किट में करंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पे। जय श्री राम। ये देखो मैं अभी कह ही रहा था सिंबल्स के बारे में, और यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिखा दिए आपको, कौन कौन से कंपोनेंट के कौन कौन से सिंबल्स है वो देखते हैं हम जरा। देखो सेल का सिंबल आपको अभी बताया था, है ना,
दो वर्टिकल बार्स लेनी है, एक बड़ी रहेगी एक छोटी रहेगी, जो बड़ा वाला होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटा वाला होगा वो नेगेटिव टर्मिनल। अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो जो रिमोट वगैरह में जो सेल डलते हैं है ना, उसमें जो वो पॉइंट वाला एंड होता है, एक पे पॉइंट निकला रहता है ना बाहर, और पीछे साइड से तो बिल्कुल फ्लैट होता है वो, तो पीछे वाला जो साइड होता है वो नेगेटिव होता है और इधर वाला साइड पॉजिटिव होता है। कभी देखना आप इस हाँ चीज मैंने को, देखा है, सेल पे लिखा रहता है ये, है ना। और एक कॉइलिंग भी हाँ और उस सेल पे कुछ। लिखा रहता है, ठीक है। बैटरी, बैटरी तो आपने इन्वर्टर की बैटरीज देखी होंगी, मोबाइल हाँ फोन की बैटरीज देखी होंगी, उसमें भी एक प्लस और एक माइनस टर्मिनल होता है, ठीक जी है। लेकिन बैटरी बनती कैसे, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, ठीक है। तो ये आप बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लग, प्लग या की, ये एक स्विच ही होता है एक तरीके का। इसमें क्या करते हैं हम, ऊपर से अगर आपने ऐसे गोल गोल डॉट कर दिया, मतलब आपने इसमें प्लग की इंसर्ट कर दी है, तो अब ये क्लोज है, मतलब करंट फ्लो कर सकता है। बच्चे क्लोज का मतलब क्या है कि करंट अब करंट फ्लो कर सकता है ना। और ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है कि सर्किट खुला हुआ है उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, और है ओपन ना। ये वाला बात सबको समझ आ रही है ना अच्छे से, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ये क्या है, वायर का जॉइंट। हाँ देखो, अगर आपने दो तार को ऐसे ऐसे पास करा दिया है तो अभी ये नहीं माना जाएगा कि जॉइंट है। जॉइंट दिखाना है अगर, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ गोलू गोलू कर देंगे, जो कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ यहाँ ऐसे गोलू गोलू कर देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ दिखा रखा है। तो अगर कहीं दो तार कंबाइन करे हैं तो आप कृपया ये यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे कनेक्शन पॉइंट पे, जैसे यहाँ करा हुआ है इन्होंने, ठीक है। और अगर बिना क्रॉस, मतलब बिना कनेक्ट करे आपने क्रॉस कराया है, तो ऐसे कर देना कि ऊपर से उड़ा के ले गया मैं उसको, ठीक है। ये उसके ऊपर से जंप करा दी ना, तो वायर ने एक दूसरे के ऊपर से गए हैं। लेकिन कई बार होता है हमारे घर में, एक तार के ऊपर से दूसरा तार जा रहा होता है, लेकिन वो आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं, है ना। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर ऐसे नहीं दिखाएंगे, फिर क्या करेंगे उसके लिए, आप जंप करके दिखा दोगे ऐसे उसमें से, ठीक है, कि इनका आपस में कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे के ऊपर से ऐसे ही पास हो रहे हैं ये। क्या सारी आबादी को ये सिक्स्थ सिंबल तक समझ में आ गया? शाबाश। एक प्रॉब्लम है अब, इलेक्ट्रिक बल्ब का ये वाला सिंबल मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये वाला सिंबल मैं नहीं बनाऊंगा, क्यों? अरे फोटो थोड़ी लगाना है बल्ब का, सिंबल बनाना है। ये वाला सिंबल हम बना सकते हैं ड्राइंग में इजीली। एक बच्चा बोल रहा है मेरे पास से, भैया मैं तो बहुत बड़ा चित्रकार हूँ, मैं तो बना दूंगा। भैया सही है, आप चित्रकार हो, लेकिन प्लीज सिंबल ऐसा लीजिए जो आराम से बन जाए, ठीक है। समझे नहीं समझे सबसे, ठीक है जी। अब बढ़िया जी, बढ़िया। कैसे बच्चे, ऐसे? ये वाला, ये लोड का होता है बच्चे, ये हीटर भी हो सकता है, ये कोई भी अप्लायंस हो सकता है ना, ये लोड कहलाता है। लोड मतलब कोई सा भी अप्लायंस हो सकता है, लेकिन सर स्पेसिफिकली बल्ब के लिए हम ऐसे बनाते हैं। हाँ ये वाला, ठीक है, ओके जी, ओके। आगे बढ़ते हैं इस बात पे, कृपया चित्रकारी ना करें। अब आगे क्या बोला है, अ रेजिस्टेंस और अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ये क्या है, रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये अभी बताऊंगा मैं आपको आगे, ये टॉपिक है रेजिस्टर और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टेंशन ना लें, नंदनी जी आप कुछ कहना चाहती हैं? सर प्लीज टेल आफ्टर गैल्वेनोमीटर बिकॉज योर वॉइस इज नॉट क्लियर एट दैट टाइम। अच्छा नंदनी जी, आपको अभी आ रही है आवाज? ठीक है बच्चे, गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने क्या बताया था, भाई बताएगा कोई मुझे क्या होता है गैल्वेनोमीटर? भैया टेस्ट जैसे एक बता टेस्ट क्या होता है ना। हाँ दे शाबाश, रहा शाबाश, हाँ बढ़िया बढ़िया। ये क्या करता है, देखो एमीटर और गैल्वेनोमीटर में एक बहुत बड़ा अंतर है। एमीटर करंट मेजर करता है, ठीक है, एमीटर करंट मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है। मेजर और डिटेक्ट में अंतर होता है, मेजर मतलब मापना, मेजर करना कि कितनी वैल्यू है इसकी, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा, और ये सिर्फ ये बताएगा कि करंट है तो कितना है, वो सॉरी है या नहीं, ये सिर्फ ये बताएगा। और ये क्या बताता है, एमीटर कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। ये डिफरेंस क्लियर हो गया नंदिनी जी? पोटेंशियल डिफरेंस बताता है वोल्टमीटर, कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। जैसे एसी पे लिखा नहीं आता, एसी के साइड वाले स्टेबलाइजर पे कि 220 वोल्ट आ रहे हैं, 230 वोल्ट आ रहे हैं, 240 वोल्ट आ रहे हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, ठीक है। समझे नहीं समझे, पोटेंशियल डिफरेंस को आप आम भाषा में वोल्टेज भी कहते हैं, आपने सुना होगा लो वोल्टेज आ रहे हैं हाई वोल्टेज आ रहे हैं, सुना होगा आपने, है ना, ठीक है। नंदिनी जी आपके कहने पे मैंने दोबारा बताया था बच्चे, आपको समझ में आया कुछ? ठीक है, अच्छा उसके बाद में मैंने क्या बताया था, गैल्वेनोमीटर के बाद, उसके बाद में मैंने ये सारे सिंबल्स बताए थे, ठीक है। इसमें तो ऐसी कोई खास बात ही नहीं है, सेल और बैटरी का सिंबल मैं ऑलरेडी बता चुका था, और की का सिंबल ये होता है आप जानते ही हो, है ना। लेकिन अगर ये खाली है, ये ध्यान रखना, अगर ये खाली है तो स्विच ऑफ है बच्चे, करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर इसको ऑन करना है तो बीच में ऐसे गोलू गोलू कर देंगे, मतलब हमने प्लग जो है वो इंसर्ट कर दिया इसमें, ठीक है।
और बाकी बल्ब का सिंबल ध्यान रखना ही जरूरी है। अब ये क्या है, अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टर डिवाइस होती है, और रेजिस्टेंस क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो वो शो करता है। ठीक है, अभी आगे समझेंगे हम, फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रुकावट। तो करंट के रास्ते में जो रुकावट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। भैया ये तो ना कुछ सही कह रहे हो आप, रुकावट जैसा ही लग रहा है, जैसे हम बंपर। सड़क पर चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर टाइप नहीं आ जाते हैं, वैसे ही तो लग रहा हाँ है ये। क्या बोलती पब्लिक, जी समझ सर, आ रही है कि बात नहीं? नहीं, ये रुकावट टाइप ही लग रहा है ऑब्वियसली। तो करंट के रास्ते की जो रुकावट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस। और इसका सिंबल क्या होता है, बिल्कुल इसी तरीके से होता है। ठीक है जी भैया, हम समझ गए ये बात, इसमें तो कोई बड़ी बात एटीएम ही नहीं है में ऐसी। कितने भी बना दें हम हाँ लोग हाँ ये अपना। कोई जरूरी नहीं कि गिनती के 5 ही बनाने हैं या 4 बनाने हैं, ऐसा कुछ नहीं, कितने भी बना सकते हो अपनी सहूलियत के अनुसार। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये रजिस्टर। ये रजिस्टर लेकिन फिक्स है बच्चे, मतलब अगर ये जैसे हर चीज की यूनिट होती है, तो ऐसी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। हाँ ठीक है, लेंथ को मेजर करना है तो मीटर में करोगे, एरिया को मेजर करना है मीटर स्क्वायर में करोगे, वॉल्यूम को मेजर करना है तो क्यूबिक मीटर में करोगे, ऐसे ही। हाँ भैया बस बस बस, जादू आ जाएगा। देखो अगर आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है तो वो किस में होता है, ओम में। ठीक है, ओ एच एम। मैं ये कह रहा था कि जैसे हम करंट को मेजर करने के लिए यूनिट यूज करते हैं एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं वोल्ट, ऐसे ही रेजिस्टेंस के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं, ओम। है ना, अब ये अगर मान लीजिए 5 ओम का रेजिस्टर है तो इसकी रेजिस्टेंस फिक्स है 5 ओम, लेकिन आपने पंखे के साथ जो रेगुलेटर लगा रहता है उसे देखा है कभी, है ना, उसको आप रोटेट करते हो तो पंखे की स्पीड कम या ज्यादा हो जाती है। क्यों भाई, देखो पंखे की स्पीड कम या ज्यादा होती है उसके अंदर के फ्लो करंट से, उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है उससे। ठीक है, जब आप रेगुलेटर को घुमाकर 5 पे कर देते हैं या 4 पे कर देते हैं तो पंखे की स्पीड सबसे ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब उस समय उसमें से सबसे ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। और करंट कब फ्लो करेगा ज्यादा, जब रेजिस्टेंस कम होगी बच्चे, कम होगी। हाँ, रेजिस्टेंस रुकावट करंट के होगी। रास्ते की रुकावट है ना, तो अगर रेजिस्टेंस कम होगी, रुकावट कम होगी, तो करंट बढ़ जाएगा, है ना। हम लेकिन जब स्टार्टिंग हम में ही 1 पे कर करंट देते कम हैं तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ जाती है ना, और इस वजह से करंट कम हो जाता है और पंखे की स्पीड कम हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या भैया, कहने का तात्पर्य बहुत सीधा सा है कि हम रेजिस्टेंस को चेंज भी कर सकते हैं, और ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस चेंज की जा सकती है उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल पुराने वाले रेजिस्टेंस की तरह है, बस उसमें एक एरो लगा दिया, देख सकते हैं आप। ऊपर की ठीक ओर। है ओके हाँ, और या फिर ऐसे ये स्लाइडिंग एरो लगा दो, मतलब एक ही है दोनों का, कि आप जो है इस एरो को स्लाइड करते रहोगे इस पर, अभी यहाँ पर है, थोड़ा और आगे बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, थोड़ा कम कर दो तो रेजिस्टेंस घट घटती जाएगी। जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ की बजाय यहाँ जोड़ दूँ इस जगह, है ना, तो क्या होगा, अगर यहाँ जोड़ दूँ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि लेंथ ओवरऑल बढ़ गई ना, और अगर लेंथ कम कर दोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ जोड़ दूँ इस जगह तो थोड़ा सा पहले, और यहाँ जोड़ देते हैं, है ना, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस और कम हो जाएगी। कम क्या हो ये बात समझ में आ रही है सबको? अब एमीटर और वोल्ट मीटर के सिंबल तो आप भैया ऑलरेडी बता चुके थे, तो दोबारा मत बताइए, कोई जरूरत नहीं है। शाबाश। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, ओम्स लॉ। 110% बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। आएगा ही आएगा। अच्छा भैया देखो, हम आते हैं यहाँ पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, लो है ना। ओम्स लॉ क्या कहता है बताइए, ओम्स लॉ यही कहता है, क्या कहता है, कि किसी कुछ भी तो कर। कंडक्टर के अंदर से जो आप करंट फ्लो करा रहे हो वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। भैया समझ कुछ आया नहीं, आप ठीक से बताइए फिर से, दोबारा से देखिए, एक बार फिर से समझिए। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एक कॉमन सेंस की बात पूछता हूं आपसे, एक बल्ब है जो एलईडी है, एलईडी बल्ब नहीं ले रहा, वो बड़ा वाला एलईडी होती है ना, बच्चे खेलते रहते हैं, आपने शायद देखा हो कभी कभी, अपने प्रोजेक्ट में भी लगाया होगा आपने। 1.5 वोल्ट का मैंने सेल लगा दिया उसके अक्रॉस, एलईडी के अक्रॉस, है ना, तो वो जलेगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से करंट फ्लो होगा। ठीक, अब मैंने 1.5 वोल्ट का सेल हटाकर 3.57 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी लगा दी, भैया ये कहाँ से मिलेगी, फोन में से निकाल लेना फोन अपने में पुराने वाले फोन से जिनमें से बैटरी डिटैच हो सकती है, 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी होती है इसमें। मैंने ठीक है जलाया भैया, है। तो ये जो 3.7 वोल्ट की बैटरी है इससे जला के देखना, और ज्यादा ग्लो करेगा। क्यों भैया, क्योंकि और ज्यादा करंट फ्लो करेगी, है ना। अब बच्चा भावुक हो गया, अब गया आरचीज पे और वो 20-25 रुपए का सेल आता, वो बैटरी आती है एक 9 वोल्ट की, वो 9 वोल्ट की बैटरी लेके आया, ब्लू और व्हाइट कलर की होती है, ले आए, है ना, ज्यादा भावुक हो गया, अच्छा लगाया, जला तो बहुत तेज से लेकिन एकदम से जलने की बदबू आई और फूक गया। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ,
क्योंकि बच्चे आपने यहाँ पर क्या करा, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते गए आप, वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी बढ़ती चली गई। क्या देखा आपने, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, करंट भी बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस घटाता हूँ तो करंट भी घटेगा। यही तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, एक चीज घटाओगे तो दूसरी चीज भी घटती है। तो भैया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, यहाँ उल्टा सीन होता है। सपोज करिए पेट्रोल के दाम आजकल बढ़ रहे हैं, सब लोग न्यूज में सुन रहे हैं, और डीजल लेकिन की आपको पॉकेट मनी हमेशा 100 रुपए ही मिलेगी, ये बात निश्चित है। अभी जब तक आप जो है 12th पास निकले थे तब तक मम्मी पापा ने डिसाइड कर रखा है कि पॉकेट मनी आपको 100 रुपीज ही मिलेगी। आपके पास है एक प्यारी सी स्कूटी, उसमें आप 100 रुपीज का पेट्रोल डलवाते हैं, है ना। हमेशा जो पॉकेट मनी मिलती है वो इसी काम करते हो, बाकी खाने पीने के तो सब पापा मम्मी करवा देते हैं आपका, ठीक है भैया। तो अभी अब से 1 महीना पहले जो 100 रुपीज में पेट्रोल डलवाते थे आप, है ना, तो बड़ा घूमते थे, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल के दाम कम थे तो आपका घूमना फिरना ज्यादा था। अभी क्या हुआ, पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो आपका घूमना फिरना कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा भाई, क्योंकि पेट्रोल कम मिलेगा ना रे बाबा। हाँ भाई भले ही पैसे 100 रुपए ही लग रहे हैं अभी भी, लेकिन पेट्रोल तो कम मिल रहा है ना। क्या वैल्यू देखा आपने, पेट्रोल के दाम बढ़े, घूमना फिरना कम हो गया, इसका क्या मतलब है कि ये इन्वर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज प्रोपोर्शनल बढ़ाने पर दूसरी चीज घटे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या मैं आपको प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट समझा पाया, शाबाश, ठीक है। अब ओम्स लॉ समझना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये बात सब जानते हैं कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे करंट बढ़ता है। जो मैंने बढ़ता है। एग्जांपल दिया था ये इससे प्यारा एग्जांपल हो नहीं सकता। आप भी जानते हैं कि 1.5 वोल्ट पे एलईडी कम ग्लो करेगी और 3.7 वोल्ट पे ज्यादा करेगी, और ज्यादा पे और भी ज्यादा करेगी, है ना। हाँ ज्यादा भावुक हो जाएगा तो फूक जाएगी, ठीक है बच्चे, ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं भैया आप, एट कॉन्स्टेंट, CONSTTT, कॉन्स्टेंट का शॉर्ट फॉर्म है वो, है ना, और टेम्परेचर के लिए शॉर्ट फॉर्म है। हाँ ठीक है, तो भैया ये क्या हुआ, ओम्स लॉ का क्या मतलब ही है। ओम्स लॉ क्या कह रही है, ओम्स लॉ कह रही है कि अगर टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्या ये बात सबको भली भांति समझ में आ गई। हाँ जी भैया, ठीक है बच्चे, ठीक है बढ़िया। चलो तो इसको इरेज कर रहा हूँ मैं इसी बात पे, मैंने आपको समझा दिया ओम्स लॉ क्या है ना। अब पढ़ते हैं, क्या कह रहे हो, टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो मैं उसको ओम्स लॉ नहीं मानूंगा। पड़ोस वाली बच्ची पूछ रही है कि ओम्स मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो क्या होगा। टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो ये परिस्थितियां बदलेंगी, है ना, और तब हम उसको ओम्स लॉ नहीं कहेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ बोलने से पहले ही उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया टेम्परेचर मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। और अगर आपने ये बात नहीं लिखी ना एग्जाम में कि टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओम्स लॉ लिखते वक्त टेम्परेचर कॉन्स्टेंट जरूर है ना, और आप जरूर बताएंगे बात। जी भैया हम समझ गए, ठीक है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रखा है, हाँ वो तो दिख रहा है हमें, लेकिन क्यों, ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन के लिए। तो भैया इससे हम क्या समझ पाएंगे आप बताइए। देखो बहुत साधारण सी बात है, यहाँ एक सेल लगा रखी है। क्या कर रहे हैं आप लोग, ये क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ एक सेल लगाया पहले वी पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना, सर्किट में एक ही है। ये जो ब्लू ब्लू डॉट आपको डॉटेड लाइन दिख रही होंगी, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये देखो ब्लू ब्लू कलर से डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये देखिए ये वाली। तो पहले सिर्फ एक ही सेल आएगा, फिर दो सेल ले लिए हैं, फिर तीन सेल ले लिए हैं, इस तरीके से एक एक करके सेल बढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या होगा भैया, उससे हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पर है ना, नंबर ऑफ सेल्स यूज इन द सर्किट, है ना, नंबर ऑफ सेल्स यूज इन द सर्किट। तो सर्किट में कितने सेल्स हैं, एक सेल लगाया पहले, है ना, तो इतना सर्किट करके करंट फ्लो करा के देखा। तो अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर हो ही जाएगा, वोल्ट मीटर लगा रखा है, ठीक है, और करंट हम मेजर कर लेंगे। अरे भैया मैं जानता हूँ आप चित्रकार हो, आपको हाइलाइटर चलाना आता है, इस पे चित्रकारी मत करिए अभी। देखिए मैं क्या कह रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से मेजर होगा, नहीं मानेंगे, ब्लॉक करता हूँ अभी, सेटिंग से ब्लॉक करता हूँ, रुको। देखो मैंने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्ट मीटर से मेजर कर लेंगे, करंट के लिए क्या है अपने पास, एमीटर, ठीक है, हाँ बात समझ रही है। अरे कितने नादान बालक है ये, देखिए हम वोल्ट मीटर क्या कह रहा हूँ बच्चे, हाँ हाँ अभी वाट लगाता हूँ, रुको, इनका इनको यूट्यूब पर बदनाम करूंगा मैं, जो भी अब करेगा ये बात। देखो अब क्या कह रहा था मैं, हाँ वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो जाएगा और करंट एम्पियर से मेजर एमीटर से मेजर हो जाएगा। बच्चे मत करो, पढ़ाने में डिस्टर्बेंस हो रहा है, मत करिए प्लीज, है ना, अच्छे बच्चे हो आप, ऐसे मत करो। देखिए वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर कर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और एमीटर से क्या मेजर कर लेंगे, करंट, ठीक करंट, है। अब हाँ बात सुनिएगा ध्यान से, हम आखिर दिखाना क्या चाह रहे हैं, हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, पहले एक सेल ली है तो कुछ करंट आएगा, है ना, देख लेंगे, फिर जब दो सेल्स लूंगा तो ऑब्वियसली ज्यादा करंट आएगा, जी,
ठीक है, यही चीज मेजर करनी है हमको, यही चीज महसूस करनी है हमको। डिफरेंट फिर जब 3 लूंगा तो करंट और बढ़ जाएगा, जब 4 लूंगा तो करंट और बढ़ जाएगा। बढ़ तो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इससे लगातार पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस बढ़ाने पर बढ़ रहा करंट है। बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए जब हमने एक सेल लगाया था तो हमें करंट मिला 0.1 एम्पेयर, सपोज करो ये 0.2 एम्पेयर। ठीक है, तो जब दूसरा, जब हमने 2 सेल लगाए तो ये मिल जाएगा 0.4। ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा, फिर 0.6, फिर 0.8। तो जब भी आप v अपॉन i निकालोगे ना, v अपॉन i हमेशा हाँ वो एक कांस्टेंट बना रहेगा। क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। कॉन्स्टेंट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लो, 0.2 अपॉन 1 करूंगा तब भी 0.2, 0.4 अपॉन 2 करूंगा, क्यों जी, तो भी क्या हाँ होगा? मतलब एक बात कह रहा हूं मैं, कांस्टेंट वैसे मुझे ये रहेगा, नहीं करना है, मुझे v अपॉन i करना है, लेकिन एक बात कह रहा हूं मैं कि हमेशा क्या आएगा, ये कांस्टेंट कांस्टेंट। आएगा। 0.2 आ रहा है जैसे यहाँ पर बार बार, तो क्या होगा इससे? इससे ये साबित हुआ कि ओम्स लॉ सही कह रही थी, अगर आपने टेम्परेचर नहीं बदला तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अच्छा, करेंट एक बात और बताऊँ आपको, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनके बीच का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट। हाँ क्या बनता है? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट एक बार फिर से ध्यान सुन लीजिए, अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हमेशा उनके बीच का ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। और अगर दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हो, ये क्या नाम बोल दिया भैया आपने, हमने तो कभी सुना नहीं है। अरे हाँ। बच्चों, आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा था, आईसीएससी वालों ने तो बोयल्स लॉ में पढ़ा था ये, है हमने भी ना, पढ़ा और था। सीबीएसई वालों ने भी पढ़ा हुआ ये। ठीक है, मास और एक्सेलरेशन का जब ग्राफ बनता है ना तो यही बनता है, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप ए निकालोगे तो क्या आएगा बच्चे? एफ अपॉन एम। तो कहने का तात्पर्य क्या भैया, साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है ना। हाँ इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप मास बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन घटेगी, और मास कम करोगे तो एक्सेलरेशन बड़ी बढ़ेगी। बड़ी। ग्राफ में जरा देखो, यही तो हो रहा है, जैसे जैसे मैं मास बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे एक्सेलरेशन कम हो रहा है। नहीं भैया, हमें तो समझ नहीं आया, आप समझाइए कैसे हो रहा है। आप देखो ना बच्चे, जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो, मास की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन बेचारा ग्राफ नीचे आ रहा है, देखो। हाँ सही कह रहे हैं भैया आप, है ना, इसी को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। क्या समझे? अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, लाइक दिस। और अगर दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये चीज ध्यान रख पाएंगे जी भैया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ बात लिखी है, ये ध्यान से देखना, यहाँ से पढ़ता हूँ मैं। इन 1827 भारत की आजादी के पहले युद्ध से 30 साल पहले, है भैया, ये क्या भूल गए आप? 1857 का युद्ध याद है आपको, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, हाँ है ना, हाँ उससे पहले की बात चल रही है। ठीक है भैया, अब क्या कह रहे हैं आप, 1827 में जर्मन फिजिसिस्ट, जर्मन साइमन, जॉर्ज साइमन होम, है ना, उनका बर्थ ईयर वगैरह देखा है, ये बेकार के आते हैं, यहाँ पर आते हैं काम की बात पे। फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई फ्लोइंग इन मैग्नेटिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आई काम की बात, लैंग्वेज बहुत बढ़ा बढ़ा के लिखी है लेकिन बात साधारण सी है। देखो मैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द अंडरलाइन करूंगा खाली। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बताइए ये वही चीज है कि नहीं है जो बताया था मैंने? और हाँ आगे भी कुछ लिखा है काम की बात, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देखो ये मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना अति आवश्यक है, और इसी को क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। नहीं है तो नहीं है हाँ, मतलब। क्या आप ये बात समझ पाए? ओम्स लॉ ये कहता है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है भैया, अब इसके बाद क्या कहना चाहता हूं मैं, अगर मैं कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो वहां पर इक्वल्स टू का साइन लगता है और एक कॉन्स्टेंट आ जाता है ना। ज्यादातर इक्वेशंस में ये कॉन्स्टेंट के होता है, इसको कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, बट यहाँ पर इस कॉन्स्टेंट का नाम रखा गया रेजिस्टेंस। ठीक भाई है, यार जब भी हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया है तो क्या होता है, इक्वल्स टू को साइन लगकर एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पर उस कॉन्स्टेंट को क्या नाम दिया? आर। ठीक है, अच्छा भैया यहाँ पे आर की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू आएगा वी अपॉन आई। ठीक है, ये काम बहुत जरूरी था, आर की जो वैल्यू निकाली है ना हमने, इससे हमें पता चलेगा अब कि रेजिस्टेंस क्या होता है। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट, है ना। चलिए देखिए, अब फिर से एक बार सुन लीजिएगा मैंने क्या कहा आपसे। ओम्स लॉ कहती है वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। हाँ भैया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो इक्वल्स का साइन लग के एक कांस्टेंट आ गया, जिसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पर, आर यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से हमने भैया रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई वी अपॉन आई। अच्छा, अब इसकी यूनिट का भी पता चल जाएगा,
स्केलर है वेक्टर भैया, आपने पहले ही बता दिया था इसको, इस चैप्टर की ज्यादातर क्वांटिटीज जो है वो स्केलर है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये भी स्केलर ही है। अब रेजिस्टेंस की जो यूनिट आएगी ना वो क्या आएगी, करंट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन इसको साइंटिस्ट के सम्मान में, वही कौन सा साइंटिस्ट, ये जॉर्ज साइमन ओम, इनके सम्मान में ही इसको क्या बोल दिया गया, ओम। हाँ तो 1 ओम इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अरे वाह भैया, यहाँ से तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। जी बिल्कुल सही समझे आप, इसकी डेफिनेशन लिखना अब बहुत आसान हो चुका है। कैसे लिखेंगे भैया जरा बता दीजिए हमको। अरे आप सीधे बोलो कि इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट, है ना, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज कॉल्ड 1 ओम। भैया वंस मोर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, अगर हमने उसके अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तब, है ना, तब अगर उसके अंदर से 1 एम्पियर का करंट लो रहा है तो आप क्या बोलोगे कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम। भैया एक बार फिर से अंग्रेजी में बता दिए, सुनिए, इफ ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, इफ ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज 1 एम्पियर देन द मीटिंग गेट्स ओवर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। आ गए बच्चे, नहीं भी रह गए 16 है, 6 गए अभी, जितने आगे उतने को पास आ गए बच्चे। ठीक से अभिजीत, अंकिता, मलिक जी, काव्य, नंदनी, ठीक है। टेक्निकल गुरु जी कौन है भाई, गौरव चौधरी आ गया क्या? तो आज किस गेम में रोक के होगी? टेक्निकल गुरु जी कौन है ये? कैसे चलाता है YouTube पे? बाहर निकालते हैं इन टेक्निकल गुरु जी को, रुको अभी ना, मन देख लेना पता चल जाएगा। YouTube पे चैनल है तो। हाँ अभी फिलहाल अपनी मीटिंग में भी आ गए थे टेक्निकल गुरु जी, सुधर गया मैं तो, रीनेम कर दिया बालक ने, जो भी था होशियार। विवेक जी आपको आवाज आ रही है बच्चे? एक बच्चे भैया आ रही है। और ये बताओ अब तक जितना पढ़ा है वो समझ में आया आपको? भैया बहुत अच्छे से आ रहा है। शाबाश शाबाश। बुक दिख रही है बच्चों आपको स्क्रीन पे? हाँ ना बोलिए, ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है। चलो फिर फटाफट देखते हैं आगे। मैंने क्या कहा था आपसे, आर इज ए कॉन्स्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल, है ना, ये देखो, फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। मैंने कहा था ना टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए ताकि वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, बोल रहे हो ना आप, आपने क्या बोला था शुरुआत तो यहीं से करी थी उन में, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो इक्वल टू साइन लग के एक कॉन्स्टेंट आया, एंड डेट कॉन्स्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। फिर से बोल रहा हूँ कॉन्स्टेंट आया तो मतलब रेजिस्टेंस क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये तब तक ही कॉन्स्टेंट है जब तक टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। आप पूछ रही थी बच्चे मुझसे कि अगर टेम्परेचर बदलेगा तो क्या होगा, तो टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस बदलेगी, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। भैया कैसे चेंज होगा ये सब आपका अभी आगे है सिलेबस में, लेकिन मैं फिर भी एक झलक सी दूंगा इस बात की कि रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। सपोज करिए एक आपका ये कॉपर वायर है, है ना, या कोई भी मेटल का वायर है, और इसके अंदर करंट क्यों फ्लो होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, है ना, करंट इसीलिए फ्लो कर पाता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो करंट फ्लो नहीं करता, जैसे लकड़ी के लट्ठे में यानी कि वुडन लॉग में करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। हाँ भैया ये बात तो हम जानते हैं, ठीक है। तो कहना क्या चाहता हूँ मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बच्चे, टेम्परेचर बढ़ाने से ऑब्वियसली सॉलिड है, सॉलिड हो चाहे कुछ भी हो, पार्टिकल्स तेजी से मूव करना शुरू करेंगे, मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं एटम्स वगैरह और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वो सब और तेजी से मूव करना शुरू करेंगे, और जब ज़्यादा तेजी से मूव करेंगे तो ज़्यादा टक्करें होंगी, और ज़्यादा टक्कर होंगी तो ज़्यादा रुकावट आएगी, है ना, एंड दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए ताकि मैं ये बोल सकूँ कि रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। आप समझ में आ गई बात कि ओम्स लॉ में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहने का क्या क्या कारण है, है ना, ठीक है जी, ठीक है, शाबाश। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं, क्या बोला है, इट इज़ द प्रॉपर्टी, विच इज़ द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। हाँ भैया ये तो आपने बता दिया था कि करंट के रास्ते की रुकावट रहती है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। हाँ इसकी एसआई यूनिट क्या बताई थी भैया हमने आपको, ओम, है ना, मीटिंग क्लोज होने से पहले यही तो बता रहा था। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ओम को, ग्रीक सिंबल से जिसका नाम होता है ओमेगा, ठीक है,
ओमेगा, ये ओमेगा है भाई, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं वैसे ओमेगा है, ठीक है भैया। अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर की वैल्यू कितनी आ गई, वी अपॉन आई, और यहीं से मैंने इसकी डेफिनेशन, इसकी जो यूनिट है उसको भी डिफाइन करने की कोशिश करी थी, वन ओम इज इक्वल्स टू वन वोल्ट अपॉन वन एम्पियर। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पढ़िए ध्यान से इसकी डेफिनेशन, आपको ज़्यादातर चीज़ें बुक में मिल जाएंगी, कहीं और जाने का कष्ट करना नहीं पड़ेगा। बहरहाल मैं इसके नोट्स भी आपको सप्लाई करूँगा, लेकिन सभी सही समय पे, जब चैप्टर फिनिश होने वाला होगा ना, या एक दो दिन में, पहले वीडियो पब्लिश करूँगा तब उसके बाद, ठीक है भैया। अब देखिए, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज वन वोल्ट, क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस अगर वन वोल्ट कर दिया जाए और करंट आपका वन एम्पेयर हो तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, वन ओम। क्या और स्पष्टीकरण की जरूरत है या यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? शाबाश शाबाश, और थोड़ा सी स्पीड बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। सही है बच्चे, सही है, बढ़िया। देखिए जय महाकाल, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। क्या बोला है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वो तो सारी दुनिया जानती है कि एक फॉर्मूला अगर पता चल जाए कि वी इज इक्वल्स टू आई आर है। चुप रहिए, आप देख रही हैं, पढ़ा रहे हैं, कह रही 7:30 बज रहे हैं घड़ी में, अरे बेकार की बात, घड़ी रुक गई होगी। देखिए भाई, V इज इक्वल्स टू आई आर है, यहाँ से अगर मुझे आज R निकालने की जरूरत महसूस हुई तो मैंने R इक्वल्स टू V अपॉन I लिख दिया, अगर मुझे I निकालने की जरूरत महसूस होगी तो मैं V अपॉन R लिख दूंगा, वो तो भैया हम जानते हैं। तो क्या आप इसे तीन फॉर्म में समझ के याद करेंगे? नहीं रे बाबा, एक फॉर्मूला याद करूंगा, V इज इक्वल्स टू आई आर, बस इतना काफ़ी है, है ना। इधर उधर करना तो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा उसके साथ, डिवाइड की हो जाएगी। हाँ बढ़िया बढ़िया भैया। भैया एक बात और बताइए ना प्लीज़। क्या भैया, क्या बताएं आपको भैया, ये बताइए कि ओम्स लॉ अगर आता है, कोई मुझसे पूछता है कि ओम्स लॉ क्या है, तो मैं सिर्फ इतना कह दूं वी इज इक्वल्स टू आई आर चलेगा? नहीं रे बाबा, वी इज इक्वल्स टू आई आर ब्रैकेट में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ओम्स लॉ होता है। अच्छा, मतलब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लिखना जरूरी है, अति आवश्यक है, आवश्यक है। शाबाश, बढ़िया जी बढ़िया। अब चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 12.7, मतलब ये दैट द करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। वो तो जाहिर सी बात है, जब रेजिस्टेंस करंट के रास्ते की रुकावट है, जब रेजिस्टेंस करंट के रास्ते की रुकावट है तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनली तो होगा करंट, क्यों जी। और वैसे भी मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, कि ये रेगुलेटर है, इस पे यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है और यहाँ 5 लिखा है। तो जब आपका ये और इसका ये जो है ये पॉइंटर है ना, तो जब पॉइंटर 1 पे होता है तो रेजिस्टेंस मैक्स होती है, रेजिस्टेंस मैक्स होती है भैया, मैक्स मतलब सबसे ज़्यादा होती है, तो करंट आपका मिन होता है, मिन मतलब भैया सबसे कम, मिनिमम है ना। लेकिन वही पॉइंटर अगर यहाँ से हटाकर यहाँ पहुँचा दिया जाए 5 पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब रेजिस्टेंस सबसे कम होगी और करंट मैक्स होगा। क्या देखा, रेजिस्टेंस कम हुई तो करंट बढ़ गया और रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई तो करंट घट गया। दैट क्लियरली मीन्स कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आया कि नहीं आया? हाईवे पे चल रही है गाड़ी। सही है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर और हम आगे बढ़ेंगे फिर अभी। लेट मी रेज दिस, हो गया। अच्छा भैया आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्या बोला है, इफ़ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ्ड। हाँ हाँ, अभी यही बता रहा था मैं आपको कि रेजिस्टेंस अगर दुगना करूँगा तो करंट आधा हो जाएगा, है ना, ठीक है। और इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो तो मैंने अभी बताया था आपको, अभी बताया था ना मैंने आपको कि कई सारे प्रैक्टिकल केसेस में ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है करंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम एक वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पंखे का रेगुलेटर, और कोई इसके अलावा और कोई डिवाइस में या अगर आपको याद आ रहा हो जहां हम यूज़ करते हो रियोस्टेट को या वेरिएबल रेजिस्टर को तो बताइए। बे क्या लिख रहे हैं आप, ये ऑडियो रेगुलेटर्स। अच्छा आप ये कहना चाहते हैं जो वॉल्यूम कंट्रोल होता है ना स्पीकर्स में, जिससे घुमा घुमा के हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, वही वही उसमें भी रियो स्टेट या वेरिएबल रजिस्टर ही तो यूज़ होता है। उसे घुमाते हो लाउडनेस बढ़ जाती है, इसका मतलब करंट बढ़ गया है। उसे घट घुमाते हो है ना, लाउडनेस अगर घट रही है तो उसका मतलब करंट घट रहा है। क्या मैं आपको कुछ समझा पाया? वॉल्यूम कंट्रोल्स। हाँ भैया। हाँ भैया ठीक है। और भैया मिक्सर, मिक्सर कौन सा मिक्सर? हाँ हाँ वो उसमें भी वही होता है, सही कह रहे हो, उसमें भी वही होता है। हाँ बहुत सी डिवाइसेस ऐसे, ठीक है। मेरे घर की लाइट
घर की लाइट इसमें कहाँ होता भाई? वो तो चौक का होता है, नहीं चाहिए स्टार्टर होता है, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है बच्चे। खैर आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोला है। अ कंपोनेंट, आप समझ गए ना भैया, फ्रिज में कूलिंग इफेक्ट कम करने को। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह सही समझिए आप, वो फ्रिज में भी होता है, है ना? वही वही बिल्कुल, शाबाश। अब आप मुझे पता चल गया आप लोग बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स हो। अब आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, है ना? नहीं तो आप सारी सारे घर के सामान बता दोगे मुझे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट, देखो ये आई काम की बात, बहुत ध्यान सुनना। अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसी का जिक्र चल रहा था कि जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही तो हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट। क्या कहते हैं? रियोस्टेट, या तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कह लो, दो वर्ड्स का है, या फिर सिंगल वर्ड में कह दो रियोस्टेट। ठीक है, काम एक ही है, रेजिस्टेंस को चेंज करना ताकि करंट चेंज हो सके, है ना? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट, आ गई बात, इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, है ना भैया? यस यस यस। ठीक है, एक्टिविटी खुद पढ़ेंगे क्योंकि आप समझदार हैं, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। हाँ भैया कर लेंगे, बेकार की बातें। ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। नहीं लेकिन फिर भी पढ़ लेना एक बार, एनसीईआरटी का एक एक शब्द पढ़ना चाहिए एक बार अवश्य, इसमें से इन बिटवीन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या बोला है, एक चीज़ रह गई उधर से, क्या रह गया बच्चे? ये थोड़ा सा नीचे का रह गया था, इसे पढ़ लेते हैं। देखो कुछ कहा है, इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। व्हाई डू दे डिफर? क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग थी, है ना? सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस अलग अलग थी। तो अब क्या बोला, सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी, वही बात आ गई देखो, सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, मतलब उनकी रेजिस्टेंस कम हो गई है, जो आसान रास्ता देगी उसमें रुकावट कम है, है ना? उसमें रुकावट कम है, और रुकावट कम है तो रेजिस्टेंस कम है, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, है ना? वाइल द अदर्स रेजिस्ट द फ्लो, है ना? बाकी जो है दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा देती हैं। जैसे आप देखो, मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि कॉपर के तार जिनसे आप अपने घर में कनेक्शन करते हो उनकी रेजिस्टेंस, और वो तार जो आप हीटर में लगाते हो, नाइक्रोम वाले वायर्स, जो कॉइल दिखे हैं ना अपने, इस तरीके की कॉइल्स होती हैं हीटर में जलती रहती हैं वो, है ना? तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है, इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो ये हीट वगैरह जनरेट करता है और वो नहीं कर पाता, समझे ना? ठीक है बच्चे, ठीक है। तभी तो रुकावट क्यों होती है, क्योंकि टक्करें होती हैं, और जितनी ज़्यादा टक्कर होगी उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी, है ना? बच्चे सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस है क्यों? अच्छा आपने ये नहीं पूछा भैया मुझसे, देखो सड़क पे रेजिस्टेंस क्यों है गाड़ी चलाने में? क्योंकि स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, गड्ढे वड्ढे हैं, तार के अंदर कौन से गड्ढे हैं भैया जो वहाँ रेजिस्टेंस आ रही है? ये तो पूछा ही नहीं आपने मुझसे कि तार के अंदर आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ रेजिस्टेंस है। वैसे मैंने ये चीज़ अभी बतानी नहीं थी, मैं इंतजार करता सही चीज़ का आने का, और वो सही चीज़ बताया था ना, होल्स। नहीं 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 बाबा, नहीं ना ना, अब भावुक हो गई, आपने सोचा गड्ढों का नाम सुनते ही होल्स याद आ गए आपको, वो होल्स आपके सिलेबस में भी है ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से, होल अलग चीज़ है बच्चे। ठीक है, खैर मैं ये कहना चाह रहा था, ये टॉपिक जो था ना कि रेजिस्टेंस क्यों आता है वायर के अंदर, वो मैंने छोड़ रखा था अभी, मैं खुद अभी बताने नहीं चाह रहा था एक वजह से, और वो वजह ये थी, मैं इस टॉपिक का इंतजार कर रहा था, फाइनली ये टॉपिक आ चुका है तो आप बता ही देते हैं। ठीक है, बात ये समझिए, रेजिस्टेंस क्यों आती है, आखिर कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ रही है? आप जानते हो करंट फ्लो क्यों करता है? आप ये तो जानते हो कि किसी भी कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो करता है? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो मूव कर रहे हैं। अब बात इतनी सिंपल नहीं है, जितनी सिंपली आपको पढ़ा दी गई है बात इतनी सिंपल है नहीं। अगर आप ध्यान से समझोगे चीज़ को तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जैसे मान लो कॉपर का वायर है, है ना, तो क्या सिर्फ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं? नहीं भैया, कॉपर के एटम्स भी होंगे, है ना? बिल्कुल होंगे, और उसी में से तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर आए हैं, आए कि नहीं? अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है तो उस पर कैसा चला जाता है? पॉजिटिव। ये भी बता रखा है मैंने आपको, जानते भी आप, अगर किसी चीज़ ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यानी कि अगर कोई भी कंडक्टर में लेके आता हूँ, जैसे कोई कॉपर वगैरह का वायर ले लिया, कोई भी कंडक्टर मैंने लिया है, तो उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरा क्या होंगे उसमें? पॉजिटिव आयंस होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव आयंस। जब एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो अब हम उसको एटम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। वो पूरी टेबल याद करिए आपने, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन, नाइन्थ क्लास में याद करिए, है ना, जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बात इतनी सिंपल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आया घूमने के लिए और आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे मजे मजे में चलाएगा, नहीं। जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे तो आप जानते हैं सॉलिड्स में वैसी चीज़ें बहुत चिपक चिपक के बैठी होती हैं, जगह होती नहीं है, है ना? इंटर मॉलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है बच्चे, इंटर पार्टिकल स्पेस,
है ना, चिपके हुए होते हैं सॉलिड में, तो पार्टिकल्स बिल्कुल जगह ही नहीं होती है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि मजे में मक्खन की तरह बहता हुआ चलाएगा, टक्कर तो होंगी। दीज टक्कर्स यानी कि दीज कोलिजन्स आर द ओरिजिनल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अच्छा भैया, मतलब करंट के रास्ते में रुकावट यहाँ से आती है। हाँ, यहीं से आती है। अब आया आपको खेल समझ में? ये क्या बोलती पब्लिक, समझ में आया भैया? ठीक है बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं क्या कह रहा था आपसे, आपको ये बात समझ आ गई ना, रेजिस्टेंस का कारण क्या है? द कोलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द अदर पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है, तो मुझे ये उन फैक्टर्स का जिक्र करना पड़ेगा जिन पर ये टक्कर डिपेंड कर रही हैं। तो एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा रहे थे हम तो टक्कर्स बढ़ रही थी, मतलब कोलिजन्स बढ़ रहे थे। भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन्स बढ़ने हैं, कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन्स बढ़ रहे हैं, कोलिजन बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर रियल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है? नहीं, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगी ना, तो कैसे भी समझ लो। हाँ, लेकिन आप समझे नहीं अभी भी, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं है, बात क्या है, वहाँ पर टक्कर बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी टक्कर? क्योंकि ये सब और तेज़ी से मूव करने लगेंगे। आपने एक बात और पढ़ी हुई है कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की मूव करने की स्पीड बढ़ती है ना, है ना। और आप भी जानते हैं बात कि अगर आप गाड़ी धीरे धीरे चला रहे हैं तो टक्कर के चांसेस कम है, जब तेज़ी से चलाएंगे तो टक्कर के चांसेस ज़्यादा है ना। जी बिल्कुल, ठीक है। तो एक फैक्टर तो मैंने आपको यही समझा दिया कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और बाकी भैया कुछ फैक्टर्स हैं? हाँ बिल्कुल फैक्टर हैं। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। हाँ वो तो है ही भैया, वो तो अंडरस्टूड है, वो बताने की भी जरूरत नहीं है आपको। क्यों? अरे इतनी सिंपल सी बात है यार, हर मटेरियल का अलग रेजिस्टेंस होगा ना। भाई कॉपर का रेजिस्टेंस कम है ना, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लकड़ी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, प्लास्टिक का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ग्लास का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, रबर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जानते हो आप ये बात, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अलग अलग मटेरियल्स का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की क्षमता सब अलग अलग होती है। कल भी बताया था मैंने ये आपको, है ना, कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इसलिए नॉन मेटल्स की रेजिस्टेंस तो वैसे ही बहुत हाई होती है ना, और कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस लो होती है, ठीक है। और कंडक्टर्स में भी कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं जैसे सिल्वर है, कॉपर है, जो आराम से लो टेम्परेचर से भी अपने अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है और रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस कम होती है इनकी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्रोमियम से मर्करी की तरफ बढ़ाना जी भैया। अब एक बात और बताइए, मैंने आपको अभी कितने फैक्टर्स बताए जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है? मैंने दो फैक्टर्स बताए, एक तो आपका टेम्परेचर हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल है ना, और दूसरा आपका नेचर ऑफ मटेरियल हो गया, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, मैंने आपको दो फैक्टर्स बता दिए, तीसरा फैक्टर मैं आपको बताने वाला हूँ लेंथ, और फोर्थ फैक्टर मैं बताऊँगा आपको एरिया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग पैरामीटर्स क्या करते हैं रेजिस्टेंस के साथ, है ना, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करेंगे हम, लेकिन पहले ये समझिए कि टेम्परेचर के बारे में कुछ बोल रहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन किसके केस में? मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में। अगर मैं सेमी कंडक्टर्स की बात करूँगा तो वहाँ पर ये चीज़ अलग हो जाती है। सेमी कंडक्टर्स मतलब जो कल बता रहा था मैं, जैसे आपकी चिप्स वगैरह होती हैं, सिलिकॉन चिप्स वगैरह होती है ना, तो उसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों भैया? उसमें ऐसा क्या होगा? उसमें एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घट जाती है। क्यों होता है भैया वहाँ पर ऐसा? क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड्स के टूटने पर चार्ज कैरियर्स बनते हैं। मैंने बताया था ना आपको कल भी कि वहाँ पर दो तरीके के चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि होल्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं एक बार बता चुका हूँ, तो अभी हल्का सा मैंने जिक्र करा इसके दोबारा से कि सेमी कंडक्टर्स में दो तरीके के चार्ज होते हैं, चार्ज कैरियर्स आते हैं, एक होल्स और एक इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही कोई बॉन्ड टूटता है तो वहाँ से बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब निकल के आएगा तो वहाँ पर कुछ खाली जगह छोड़ देगा, उसी खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात सिंपल सी है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों इंक्रीज होंगे, है ना भाई। एक एक अगर एक भी बॉन्ड टूटता है तो क्या होगा, एक होल बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, है ना, होल इलेक्ट्रॉन का पेयर आ जाएगा, ठीक है भैया। अब होगा क्या इससे, इससे ये होगा कि चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे, और अगर चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो आप जानते हैं आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, चार्ज बढ़ा तो करंट बढ़ा, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर करंट बढ़ जाता है, और करंट के बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस घट गई। घूम गए या समझ गए?
कुछ लोग घूम गए हैं, तो उन लोग घूमे हुए लोगों के लिए एक साधारण सी सलाह है, वो ये कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटलिक कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ती है और सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस घटती है। कारण सीधा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटलिक कंडक्टर के साथ क्या हो रहा है, उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और तेज़ी से मूव करेंगे और टक्कर खाएंगे और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या हो रहा है, सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर और बॉन्ड्स टूटते हैं, है ना, और बॉन्ड्स टूटने की वजह से और ज़्यादा चार्ज कैरियर्स आते हैं, ज़्यादा चार्ज कैरियर्स तो करंट ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। करंट कब ज़्यादा होती है, जब रेजिस्टेंस कम होती है, तो टेम्परेचर कम हो, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, इतना जानना काफ़ी है, ठीक है। बाकी ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो तकलीफ़ में आ जाएंगे, क्योंकि होल्स इलेक्ट्रॉन्स ये सारी चीज़ें आपके 12th क्लास में आएंगी, है ना। आपके जितना लेवल पर जाना था उससे ज़्यादा मैंने बता दिया है, आपको समझ में आ गया है भैया? ठीक है बच्चे, टेम्परेचर खत्म, नेचर ऑफ मटेरियल भी खत्म। अब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ऐसे समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। अच्छा भैया चलिए देखते हैं एक बार, आइए देखते हैं लेंथ और एरिया के साथ क्या मजाक चलती है। आप मानिए कि आप मेरे घर पे ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, और आप एक बहुत बढ़िया बालक हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बहुत मन लगा के आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ जो दूसरा बंदा है ना वो मूवीज़ का भक्त है, उसे तो बस हर टाइम मूवीज़ देखनी होती हैं बस। तो आप आ रहे हैं पढ़ने के लिए और वो दूसरा जो आपका फ्रेंड है वो बोल रहा है, आपका हाथ खींच के बोल रहा है, नहीं रे भाई नहीं आज नहीं आना, आज नहीं आना, आज तो KGF चैप्टर 2 देख के आएंगे, सही है, आज तो नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, है ना। और आप मेरे घर वाले, ये मेरा घर है, ठीक है, ये आपका ट्यूशन है और यहाँ पर ये मेरे घर के सामने गली है, ठीक है, थोड़ा सा शिफ्टिंग करते हैं हल्का सा और ताकि और अच्छे से समझ आए, यहाँ आ गया हमारा ट्यूशन, ठीक है। केस नंबर 1, आप यहाँ हैं अपने मित्र के साथ, और केस नंबर 2, केस नंबर 1 में आप और आपका फ्रेंड इस साइड खड़े हैं यहाँ पर, है ना, और केस नंबर 2 में आपका और आप और आपके फ्रेंड जो है यहाँ खड़े हैं, दोनों ही कंडीशन में बात वही है, आपको मेरे घर तक पहुँचना है, यानी कि इस जगह पहुँचना है ट्यूशन पढ़ने के लिए, लेकिन आपका मित्र जो है वो आपको रोकेगा, आपको ट्यूशन आने से रोकेगा लगातार, कहेगा भाई KGF चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं या कोई भी मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ ना बोलिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में ज्यादा दिक्कत महसूस करोगे या यहाँ से यहाँ तक आने में ज्यादा दिक्कत महसूस करोगे, आप ही बताओ। आपका दोस्त आपको लगातार रोकता रहेगा, तो लेफ्ट वाले केस में यानी कि केस नंबर 1 में ज्यादा दिक्कत होगी या केस 2 में? ऑब्वियसली केस 2 में ज्यादा दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर ज्यादा दूरी तक आपको रुकावट महसूस हो रही है, यही बात मैं भी यहाँ कहना चाह रहा हूँ, जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतनी ज्यादा दूर तक टक्करें होती जाएंगी और उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब तो भैया ये तो बहुत सिंपल सी बात बता दी आपने हमें, है ना, क्या बात बताई आपने हमें कि अगर हमने लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर छोटा तार है तो रेजिस्टेंस कम होगी, बड़ा तार है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब मजे की बात बताऊं, जो पावर स्टेशन वगैरह होते हैं, डैम वगैरह होते हैं जहां पर बिजली बनती है ना, जहां पर से इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर हो जाती है, वहां से यहां तक कितने ज्यादा लंबे लंबे तार बिछाए हुए हैं, है ना, तो इतनी ज्यादा वायर, इतनी ज्यादा लेंथ के वायर्स, इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस में तो करंट की हालत खराब होगी, करंट बिल्कुल खत्म होने को तैयार हो जाएगा, हाँ ये बात सही है, हो जाता, इसीलिए तो हमने क्या लगा रखा है, ट्रांसफार्मर्स लगा रखे हैं। ये ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, ये सब आपके सिलेबस में है आगे, लेकिन मैं एक हल्की सी बात बता रहा हूँ बस, ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा देता है और करंट को कम कर देता है, जिससे करंट का नुकसान कम होता है, ठीक है, नहीं होता है कहना गलत होगा, नुकसान तो होगा ही होगा, हर डिवाइस गर्म होती है थोड़ी बहुत तो होती है, आप टीवी चलाते हो तो आप ये चाहते हो कि वो गर्म हो, आप फोन चलाते हो आप चाहते हो वो गर्म हो, नहीं ना, लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत गर्म होता है, हर वो डिवाइस जिसमें से करंट लो कर रहा है चाहे कम या ज्यादा गर्म होगी, और गर्म होने का मतलब क्या है कि उसमें से एनर्जी का लॉस हो रहा है। हाँ हीटर में प्रेस में मैं चाहता हूँ वो गर्म हो, वहां मैं फायदा उठा रहा हूँ उस चीज का, इस ड्रॉबैक का मैं वहां पर फायदा उठा रहा हूँ, लेकिन हर जगह तो नहीं चाहता, पंखे से चाहता हूँ मैं गर्म हो वो, नहीं ना, लेकिन पंखे की मोटर छूना जरा बंद करके अभी, कि हाँ पंखे में हम नहीं चाहते वो गर्म हो जाए, लेकिन फिर भी वो गर्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि अंदर जो वायर्स हैं उसकी कॉइलिंग में, उसकी मोटर की कॉइलिंग में, उनमें लगातार कोलिशंस होते रहेंगे और जिसकी वजह से हीट जनरेट होती रहेगी। पर आप चाहें तो इसे कम कर सकते हैं, बताइए कैसे? टेम्परेचर कम कर दो, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, है ना, लेकिन इतना आसान नहीं है, टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा कम करना पड़ेगा, माइनस में भी वही लिक्विड नाइट्रोजन के आसपास ले आए, माइनस में 190 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस, इतने कम टेम्परेचर्स पे ले जाके साइंटिस्ट लोगों ने ये कोशिश करी है कि रेजिस्टेंस लगभग लगभग जीरो पहुंचा दिया गया है, और ऐसी परिस्थिति में तब उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर,
क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। अभी साइंटिस्ट लोग इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से सुपर कंडक्टर्स को रूम टेम्परेचर पे लाया जा सके, और यकीन मानिए अगर ऐसा हो गया तो मजे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब रेजिस्टेंस खत्म बिल्कुल, है ना। तो आप एक बार स्विच ऑन कर दो, है ना, या फिर एक बार आप करंट का सिर्फ एक पल्स दे दो, और उसके बाद आपको दोबारा करंट की सप्लाई मेंटेन करने के लिए बैटरी लगाने की जरूरत नहीं होगी। क्यों जी? क्योंकि वही करंट का पल्स लगातार फ्लो करता रहेगा और जो है आपकी डिवाइस चलती रहेगी। समझ गए इस बात को? क्योंकि लॉस ही नहीं होगा, एनर्जी का लॉस ही नहीं होगा जब रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो, है ना। तो अगर रेजिस्टेंस जीरो होगा तो उस कंडीशन में वो क्या बन जाएगा? सुपर कंडक्टर बन जाएगा। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, साइंटिस्ट लोगों ने करा है। कब करा? नॉर्मल कंडीशंस में अभी तक नहीं हो पाया है, है ना। हम क्या करते हैं, हमने मिक्सचर बनाए हैं कई सारे मेटल्स के, और मतलब एलॉय बनाए, और उसको क्या करा, काफी लो टेम्परेचर पे लेकर गए, जैसे -190°C 200°C माइनस में, है ना। और वहां पर जाके हमने ये महसूस करा कि रेजिस्टेंस वाकई में घटते घटते जीरो के आसपास हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? भैया आपने चार फैक्टर्स बताए थे, जिसमें से तीन आप एक्सप्लेन कर चुके हैं, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, और लेंथ पे। लेंथ पे आपने अभी अभी बताया है कि लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ती है और लेंथ घटाने पर रेजिस्टेंस घटती है, मतलब लेंथ के डायरेक्टली क्वेश्चन है। अब बात आती है एरिया की। तो नंदिनी जी, एरिया मतलब यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। मतलब अगर आप तार को कट करते हैं तो वो सामने से आपको कैसा दिख रहा है? अगर आप किसी भी वायर को कट करोगे तो वो आपको सामने से कैसा दिखाई देगा? भैया गोल दिखाई देगा, ये चीज दिखाई देगी ना आपको सामने से, है ना। क्या बोलता, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये कैसे संभव है भैया, ये क्या चक्कर है? देखो बहुत सीधी सी बात है, फिर से दो एग्जाम्पल दूंगा। एक तो ये बना हुआ ये वायर है ना, एक वायर और आते हैं ऊपर। ये आपका केस फर्स्ट है, ये आपका केस टू सेकेंड है। आप ही बताइए जो, अच्छा वही एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, वो वाला अपना मूवी वाला, है ना। यहाँ पर आप हमारा ट्यूशन है, ठीक है, और आपका एक मित्र जो है आपके साथ आ रहा है और वो आपको आने से रोक रहा है ना, मूवी देखने के लिए ले आने की इज्जत कर रहा है। आप आने की कोशिश करो, अपना हाथ छोड़ा छोड़ा के वो आपका हाथ पकड़ के पीछे खींच रहा है, ठीक है भैया। तो केस नंबर वन, मेरा घर के सामने जो रोड है वो बहुत पतली है, ठीक है, बहुत पतली रोड है, जरा सी पतली सी रोड है। अब इस पे वो आपको लगातार खींचेगा तो आप बच बचा के नहीं आ पाओगे। लेकिन अगर मेरे घर के सामने कतई 16 लेन हाईवे है, हाँ, और वो भी बिल्कुल खाली है, खाली के बाद चल रही है, ये मत कहना ट्रैक वर्क चल रहे हैं इस पे ना, बिल्कुल 16 लेन हाईवे मेरे घर के सामने और बिल्कुल खाली है ना, मेरा एक छत्र राज है, इसमें कोई नहीं चलता, बस मेरी गाड़ी चलती है इस पे। भैया क्या मजाक कर रहे हो? अरे सपोज कर लिए, सपोज करने में क्या जा रहा है ना, ठीक है। तो भैया इस वाले केस में आपको ज्यादा दिक्कत होगी केस टू में या केस वन में? बताइए। ऑब्वियसली केस वन में वहां कम जगह है, केस टू में उसका हाथ छोड़ा के भाग लिया मैं एक बार तो कट मार मार के किसी ना किसी तरीके से निकल के आ ही जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है कि एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो गई, और एरिया कम था तो रेजिस्टेंस ज्यादा थी। क्या इससे अच्छा एग्जांपल चाहिए आपको या समझ गए? शाबाश। तो बहुत सीधी सी बात है कि लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और लेंथ घटाने पर रेजिस्टेंस घटता है, उसके डायरेक्टली क्वेश्चन है, और एरिया क्रॉस सेक्शन के साथ उल्टा है। तो अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आप जवाब देंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ अ थिक वायर, THICK, थिक है ना, द रेजिस्टेंस ऑफ अ थिक वायर इज डैश देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ थिन वायर, फिल इन द ब्लैंक, ऑप्शन नहीं मिलेंगे। The resistance of a thick wire is dash than the resistance of a thin wire. जय श्री राम, लेस आएगा। क्यों लेस? अबे थिक वायर मतलब मोटा तार, मोटे तार की रेजिस्टेंस अंग्रेजी नहीं जानते हैं आप, ये नहीं जानते हैं कि थिक वायर मोटा वायर हुआ, हाँ, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होगा than the resistance of a thin wire, है ना। अब तो क्लियर हुई बातें, हाँ ना, बोलिए भैया। भैया दिल खुश कर दिया आपने, इतने बढ़िया तरीके से समझा दिया, अब तो मजा आ गया। अब एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं जल्दी से, क्या क्या बताया? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेकिन वो सबके लिए सेम नहीं है, इसलिए उन पैरामीटर्स को मैं नहीं लिख रहा। क्यों? क्यों जी, क्यों? नेचर ऑफ मटेरियल तो उसको तो वैसे भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो तो सिंपल जनरल बात है, बताना है खाली कि इस मटेरियल की रेजिस्टेंस इससे ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, वो तो अलग चीज है, उसको कैलकुलेट तो करना नहीं है, वो तो मटेरियल मटेरियल चेंज होता रहेगा, ठीक है भैया। और क्या बताया था? टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट अलग अलग कंडक्टर्स पे अलग अलग होता है, मैंने बताया था मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो सेमीकंडक्टर्स के साथ उल्टी कहानी है, उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटती है ना। तो इसलिए हम उस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इन्हीं दो पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा भैया, तो इनको भी कंबाइन कर लीजिए ना,
हाँ करते हैं सब रखिए। आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए लिख सकता हूँ क्या? यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है बच्चे, तो अब क्या होगा भैया? भैया अब ना मुझे आपकी पुरानी बात याद आ रही है, क्या थी भैया पुरानी बात? हाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे भैया तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आ जाता है विधिका जी, है ना? उस कॉन्स्टेंट को कभी हम के लिख देते हैं, कभी हम कुछ लिख देते हैं। आज मैं रो लिखूंगा, पिछली बार हमने आर लिखा था, वी इक्वल्स टू आई आर, याद है ना, ओम्स लॉ में। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? ये पी क्यों लिख दिया भैया आपने? ये पी नहीं है रे बाबा, ये रो है। पी और रो में क्या अंतर होता है भैया? पी लिखते हैं ऐसे, पी में चोंच लिखती है ऊपर, ये देखो, और रो में चोंच नहीं लिखती, ऊपर गोल होता है। तो और एक बहुत बड़ा अंतर है, पी इज एन इंग्लिश अल्फाबेट, ए बी सी डी ई एफ वाला, है ना, और रो क्या है? ग्रीक अल्फाबेट है, अल्फा बीटा गामा वाला। अच्छा भैया हम समझ गए, अभी ओमेगा भी तो आया था, वो भी तो ग्रीक अल्फाबेट ही था। हाँ तो आर इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा? रो इनटू एल अपॉन ए, ये नया फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस का। हाँ हाँ, अब बच्चे ये सारी बातें समझ गई ना, आर इक्वल्स टू रो इनटू एल अपॉन ए, सही है? यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो आज की मीटिंग में यही रुक रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है, और नोट्स की चिंता ना करें, बस सेल्फ स्टडी करते रहें, और अगर आप खुद नोट्स बनाएंगे तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी, क्योंकि अपने नोट्स याद अच्छे से बेस्ट होते हैं, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, है ना। मैंने कितना बेकार गाया। हाँ क्या बोलती पब्लिक, समझ में आ रही बातें?